हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम चल रहे हैं फोटो मार्केट चांदनी चौक। तो ये देखिए सामने है लाल किला, आपको लाल किला पे आना है, यहाँ बड़े आसानी से आ जाएंगे। और वहाँ पे जो मार्केट है वो लाल किला से थोड़ा आगे चलेंगे तो आपको दिखेगा SBI बैंक, जो कि बहुत ही पुराना और बहुत ही पॉपुलर चांदनी चौक का ये बैंक है। जस्ट उस बैंक के अपोजिट साइड, बिल्कुल अपोजिट साइड जब आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा ऊपर की तरफ एक पोस्टर, फोटो मार्केट फोटो ट्रेड एसोसिएशन। तो चलिए आइए चलते हैं मार्केट के अंदर और देखते हैं इसके अंदर कौन कौन से कैमरे मिलते हैं। और ये जो कैमरा मार्केट है एशिया का सबसे बड़ा कैमरा मार्केट है। साथ ही साथ जिस शॉप पे मैं आपको लेके चलूंगा वो जो है बहुत ही पॉपुलर शॉप है, वो पूरा का पूरा ही इस कैमरे मार्केट का। यहाँ पे बहुत तरह के आपको जो है फ्रॉड भी होता हुआ मिलेगा इस मार्केट के अंदर, जिससे कि आपको बचना है। तो कौन कौन से फ्रॉड होते हैं जिससे कि आपको यहाँ पे बचना है, और साथ ही जिस शॉप पे हम ले जा रहे हैं वो बहुत ही पॉपुलर है। तो सबसे पहले जानते हैं इस शॉप की एक खासियत, जो कि लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पे कैमरे को लेने के लिए। अच्छा, पटना से बिहार से आए तो कैमरा लेने आए आप। अच्छा जी, तो कितने लिया है सर आपने यहाँ पे? दो कैमरा। और आप कितने टाइम से यहाँ इस दुकान से जुड़े हुए हैं सर से? 4 साल। 4 साल से आप यहाँ से ले रहे हैं और सब कुछ ओके मिल रहा है आपको? जो वारंटी है, रिपेयरिंग का है, सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? मतलब जो हमारे ग्राहक है या फिर जो व्यूअर है वो देख रहे हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं और ले सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल विश्वास पे, बिल्कुल विश्वास पे। या फिर कह सकते हैं कि एशिया की सबसे पॉपुलर मार्केटों में से एक ये मार्केट माना जाता है। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे आपके वीडियो कैमरा और फोटोग्राफिंग कैमरा के लिए बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल्स होते हैं जो कि कैमरा लेना चाहते हैं, बट बजट ना होने की वजह से उनका जो है जो अमाउंट नहीं बन पाता। तो आप यहाँ से सेकेंड हैंड प्लस न्यू जो कैमरा यहाँ से आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पे चलिए बात करते हैं सर से और जानते हैं इसके कैमरे के बारे में कि क्या कुछ प्राइसिंग यहाँ पे होने वाली है। सर सोनी का मैं एक बैग लेके आया था। तो सर से जानते हैं कैमरा की जो सबसे इनके पास जो सबसे हाईएस्ट अमाउंट से लेकर लोएस्ट की तरफ चलते हैं कि इन पे कौन कौन सा कैमरा अवेलेबल है सर के पास। तो सर आप बताएंगे कौन कौन सा आपके पास कैमरा मिल जाएगा हाईएस्ट अमाउंट से स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो के लिए आपके पास कौन कौन सी कैमरा है? NF 100 मिलेगा, VH 90 मिलेगा, ये हाईएस्ट के अंदर है, या फिर सोनी के अंदर स्टील के अंदर मिलेगा आपको। 7.3 मिल जाएगा, 7.3 मिल जाएगा, 7.2 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। अच्छा जी, और इनके सर प्राइस क्या कुछ पड़ जाएगा? 1.5 लाख से स्टार्ट होते हैं, 2 से 2.25 लाख रुपए तक। 1.5 से 2.25 तक। मैंने बात कर ली बंदे से। तो सर यहाँ पे आप कुछ हमें कैमरा दिखा पाएंगे? हाँ जी, वीडियो के लिए कुछ आप कैमरा अगर एक बार दिखा पाएंगे व्यूअर्स को तो सबसे बेस्ट रहेगा ये। तो सर ये कौन सा कैमरा है? सर NS 100। हाँ जी सर, ये वीडियोग्राफिंग के लिए जैसे ये किस किस चीज़ में यूज़ होता है सर? वीडियो के लिए, जैसे शादी ब्याह में हो गया या फिर सारे काम करें। अच्छा सर, तो सर इसका प्राइस क्या आपके पास है? ओल्ड होता है 80,000 का। अच्छा, 80,000 का ये? अच्छा जी, और इसका फिर सर वारंटी आप 1 ईयर की आप वारंटी प्रोवाइड करेंगे? अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो कस्टमर जो है आप पे कैमरा लेके आएगा, आप उसे रिपेयर करके देंगे उसे? हाँ जी, और उसके बाद 1 ईयर तक उनको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे जो कैमरा है बिल्कुल ही सही कंडीशन में, कहीं भी कोई इशू नहीं है इस कैमरे के अंदर। और बैटरी बैकअप इसका क्या मिल जाएगा सर? 4 से 5 घंटे तक की। और इसके साथ अगर कोई लेता है तो आप एक्सेसरी क्या देंगे इसके साथ में? बैटरी एडाप्टर, इसका बैग और बेल्ट। अच्छा, ये चीज़ें मिलेगी? ओके, तो ये चीज़ें आपको जो है इस वीडियो कैमरे के साथ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है? बैटरी और बेल्ट और इसका एक एडाप्टर यहाँ पे आपको इंक्लूड मिलेगा इस कैमरे के साथ। तो चलिए अब चलते हैं फोटोग्राफिंग और जो DSLR कैमरे के साथ जो सर आप सभी को दिखाएंगे। और यहाँ पे बहुत सारे के आपको वेरिएंट जो है अवेलेबल है ऑलरेडी, तो आप यहाँ से ले सकते हैं। स्टॉक इनके पास काफ़ी है, बट यहाँ पे कुछ स्टॉक रखा हुआ है जिससे कि आप सभी ले सकते हैं। यहाँ इस साइड की तरफ ऊपर की तरफ आपको एक से एक प्रोफेशनल कैमरा जो है यहाँ पे अवेलेबल है ऑलरेडी। तो अगर आप आते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एक कैमरा ऑलरेडी सर ने ले रखा है 2 पीस। सर आप कहाँ से आए? पटना से। अच्छा, पटना से बिहार से आए तो कैमरा लेने आए आप। अच्छा जी, तो कितने लिया है सर आपने यहाँ पे? दो कैमरा। और आप कितने टाइम से यहाँ इस दुकान से जुड़े हुए हैं सर से? 4 साल। 4 साल से आप यहाँ से ले रहे हैं और सब कुछ ओके मिल रहा है आपको? जो वारंटी है, रिपेयरिंग का है, सब कुछ, मतलब कोई दिक्कत नहीं आ रहा है? मतलब जो हमारे ग्राहक है या फिर जो व्यूअर है वो देख रहे हैं तो कहीं से भी आ सकते हैं और ले सकते हैं यहाँ से? बिल्कुल विश्वास पे, बिल्कुल विश्वास
तो देखिए ये सर जो है पटना बिहार से आए हुए हैं और ये काफी चार साल से इस दुकान से जुड़े हुए हैं और नॉर्मली यहाँ से खरीद रहे हैं कैमरे को, तो इनके साथ कोई भी इशू नहीं आ रहा है। और यहाँ पे जो रेट है वो आपको जेन्युइन मिलेगा, ये नहीं कि जो आपको रेट दिखाया जा रहा हो कुछ और है या फिर गलत है, रेट जो है आपको यहाँ पे जेन्युइन मिलेगा, आपको इसमें कोई भी ऊपर नीचे नहीं होने वाला, ठीक है। थोड़ी बहुत की अगर बार्गेनिंग होती है तो आप कर सकते हैं यहाँ पे सर के पास आ करके। तो चलिए ये देखते हैं कुछ और कैमरे की वेरिएंट्स यहाँ पे जो आपको सर दिखाएंगे। सर यहाँ पे कुछ और वेरिएंट्स आप दिखा पाएंगे? फोटो वाला या वीडियो? फोटो और वीडियो दोनों में दिखा दीजिए सर। SSV ब्लॉग बी वी वैन। तो ये सर ने एक कैमरा निकाला, कौन सा है सर ये? D3100। और इसमें क्या क्या वीडियो और फोटोग्राफिंग दोनों होगी इस कैमरे के साथ? इसमें वाईफाई भी इंक्लूड है सर? अच्छा, इसमें वाईफाई नहीं है, ओनली नॉर्मल वीडियो और फोटोग्राफिंग के लिए। तो इसका प्राइस क्या है सर आपके पास? 12,000 रुपीज़ में है ये, और इसकी भी आपको जो है एक साल के यहाँ पे वारंटी मिल जाएगा। तो आप जो है इस कैमरे को भी अगर लेना चाहते हैं तो देखिए कैमरा बिल्कुल ही परफेक्ट है। सर एक बार चला के दिखाएंगे आप इसे? यहाँ पे जो है आपको जितने कैमरे मिलेंगे वो चेक करके मिलेगा, प्लस आपकी कोई भी इशू आता है जब भी आप इस जो है कैमरे को ले सकते हैं यहाँ पे आकर के, ठीक है सर। और सर और कुछ वेरिएंट्स? यहाँ पे बहुत सारे वेरिएंट्स है, यहाँ पे आपको जो है जिस क्वालिटी में चाहिए वो सारा यहाँ पे अवेलेबल आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। वो ऊपर आप देख पा रहे होंगे नए नए बॉक्सेस भी हैं यहाँ पे ऑलरेडी। और आपको यहाँ पे सर आप बैटरी भी रखते हैं अलग से अगर कोई लेना चाहे तो? और मेमोरी कार्ड? मेमोरी कार्ड और बैटरी आपको यहाँ पे अवेलेबल नहीं मिलेगा। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बाहर से जाके ले सकते हैं, जो मार्केट है पूरा ही बहुत बड़ा मार्केट है जहाँ से कि बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है इस मार्केट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे आना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ प्राइसिंग देखते हैं यहाँ पे। शॉप है यहाँ पे जैसा कि मैंने आप सभी को दिखाया, इनके सारा प्रोडक्ट जो भी है कैमरे का और इन पे सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको जौन सा कैमरा चाहिए इनके ऑलरेडी और भी स्टॉक्स है, तो इनसे जानते हैं कि यहाँ पे जो यूट्यूबर बहुत सारे आते हैं और अलग अलग जो प्राइस है जो 2,000 रुपये 3,000 रुपये की जो कैमरा है एक्चुअल में क्या वो मार्केट में अवेलेबल है, और अगर नहीं है या फिर क्या चीज़ें हैं सर से पूछते हैं। तो सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो प्राइस के बारे में, जो लोएस्ट प्राइस होता है 1,000 रुपये 2,000 रुपये 3,000 5,000 रुपये? अभी यूट्यूब पे ज़्यादा देखने के लिए वो जो है लाइक कराने के लिए ऐसा रेट डाल देते हैं, ऐसा रेट कभी आता नहीं है। मरे कम से कम जो है खाली स्केल के अंदर 7,000 से स्टार्ट होता है। तो 7,000 से जो है आपके यहाँ फोटोग्राफ कैमरा ही मिलेगा, उसके बाद अगर वीडियो में आते हैं तो रेट इंक्रीज होगा। DSLR के अंदर जाएंगे तो 7,000 से नीचे कोई नहीं है, अगर छोटे में जाएंगे तो वो 2-3,000 से स्टार्ट हो जाता है। अच्छा, छोटे कैमरे में? पॉकेट कैमरे के अंदर जो होता है। ओके सर, तो ये जो है प्रॉब्लम सबसे बड़ी इस मार्केट का है कि जो यूट्यूबर्स आते हैं जो वीडियोग्राफिंग, क्योंकि यूट्यूबर एक ओपन सोर्स स्टेज है जहाँ पे कि लोग देखते हैं, फ्री में देखते हैं और जो है नॉलेज को इकट्ठा करते हैं, तो वो जो नॉलेज है वो गलत प्रोवाइड किया जाता है। तो उसके रिगार्डिंग चलते हैं सर के पास। यहाँ पे एक और सर हैं यहाँ बैठे हुए जो कि इसी शॉप के ऑनर हैं और ये यहाँ पे जो है रिपेयर भी करते हैं कैमरे को। तो सर से पूछते हैं, सर तो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में, जो लोग बाग इस तरह की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं कैमरे की प्राइस को लेकर के या फिर मार्केट को ख़राब करने की? कहते हैं कि भैया आप जो है लोअर से लोअर प्राइस बताओ। अच्छा, मतलब झूठ बोलने के लिए बोलते हैं आपको? अच्छा, झूठ बोलें और आप उसे दिखा दें, तो उसके बाद जब आपके पास ग्राहक आता है उस रेट में मांगने तो फिर क्या इशू आता है उनके साथ? इशू ये आता है बेचारे कितनी दूर से आते हैं, कहते हैं कि हम तो उसी हिसाब से कैसे लेकर के आए। अच्छा, तो जो बजट है वो अपने अकॉर्डिंग लेके आते हैं और यहाँ पे वो मिलता नहीं है उनको, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान होते रहते हैं। तो गाइस ये आपने सुना क्लियरली, यहाँ पे दोनों सर बैठे हैं कि यहाँ पे जो एक्चुअल रेट है वो जो है छुपाया जाता है और इनसे झूठ बोलने को बोला जाता है। और आपको जो है यहाँ पे जब आप आते हैं तो आपको उस तरह का जो है यहाँ पे आपको कैमरा बिल्कुल नहीं मिलेगा उस रेंज में। तो आप जब भी आए तो थोड़ा सा अपने रेंज को एडजस्ट करके आए, अप्रोक्सीमेट 7+ में रखें अगर आप फोटोग्राफिंग के लिए लेना चाहते हैं, 7 से लेके आप 20 या फिर अप्रोक्सीमेट जो भी आपका आइडिया है, जो भी आप कैमरा लेना चाहते हैं उस आइडिया को लेके चले, जब भी आपको जो है यहाँ पे वो प्राइस मिलेगा और आप उसे ले पाएंगे। तो गाइस ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जो मार्केट में जो प्रॉब्लम्स है ताकि वो इसमें ना फंसे। सो गाइस थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो।